हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों वन ऑफ द मोस्ट सुपर डुपर हिट्स ऑफ अवर टेलीविजन इंडस्ट्री ससुराल से मचा क्यों हो गया बंद। तो गाइस, मेक श्योर अगर आप ससुराल से मचा बहुत बड़े वाले फैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को इन से देखिएगा। आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं एक दूसरी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारी बातें बताई कि ससुराल सिमर का लीड एक्टर दीपिका कक्कर की रियल लाइफ में क्या हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं कि आपके हो ऐसा भी हो सकता है क्या। तो गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। गाइस, अगर मैं बात करूँ ससुराल सिमर तो गाइस कलर्स टीवी पर आता था। गाइस, जो इसका सबसे पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था वो गाइस किया गया था 25 अप्रैल 2011 और गाइस जो इसका सबसे लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था वो गाइस किया गया था 2 मार्च 2018। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना लंबा ये शो चला, लगभग 5-6 साल आराम से चला था गाइस ये शो। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी टेलीविजन इंडस्ट्री में इस टाइम पर इतने साल चलना बहुत बड़ी बात होती है। और गाइस अगर हम बात करें तो पहले एपिसोड की तो गाइस उसने मोर देन 2000 एपिसोड कम्प्लीट किए। सच में गाइस बहुत बड़ी बात होती है किसी टेलीविजन शो के लिए कम्प्लीट कर लेना। गाइस करेक्ट नंबर ऑफ इस एपिसोड इज 2063 जो सच में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी भी बात है। कैसे हम बात कर लें इस शो की स्टोरी की, ओहो गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो गाइस मैं शो की स्टोरी तो मैं रहने ही देता हूँ, मैं सीधे आपको कारण बता देता हूँ किन किन कारणों की वजह से ये शो फ्लॉप हो गया। मतलब फ्लॉप तो नहीं हुआ, हिट रहा था लेकिन क्यों इसको बंद करना पड़ा, फ्लॉप का मतलब यहाँ पर ये है। तो गाइस जो सबसे पहला रीज़न है वो गाइस यही है, शो की स्टोरी। जी हाँ गाइस, शो की स्टोरी। इस शो की स्टोरी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरी हुई थी कि कोई भी अगर इसे देखता ना तो ये कहता मैंने कोई दूसरा टेलीविजन शो ऑन कर लिया है। अगर 5-6 साल बाद चला तो 5-6 साल था, अगर कोई स्टार्टिंग का एपिसोड देखे और जब ख़त्म होने वाला था वो एपिसोड देखता ना तो बिल्कुल ही दंग हो जाता। क्योंकि क्या जो इसकी शो की स्टार्टिंग की स्टोरी कुछ ऐसे ससुराल सिमर है, यानी इन शॉर्ट टाइटल से ही समझ में आता है कि ससुराल सिमर अपने ससुराल में कैसे रहती, प्रॉब्लम का कैसे फेस करती है। एक सासू वाला मतलब ड्रामा वाला सीरियल था। तो कहते उसमें जो स्टार्टिंग का एपिसोड है उसमें मुझे इनकी बहन ये स्टोरी दिखाई जाती है कि जो सिमर और लोरी दोनों वो भरद्वाज परिवार में दोनों प्रेम और सेठ के साथ शादी कर लेती हैं और दोनों बहनें कैसे एक ही ससुराल में रहती हैं और कैसे वहाँ पर मुसीबतों का सामना करती। ये तो थी स्टार्टिंग की एपिसोड। लेकिन गाइस तो एंड होते 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 शो के मेकर्स में इसमें नागिन सांप बिच्छू केकड़ा चंद्रमणि पता नहीं क्या क्या पातालनी जो हो गया वो सब मतलब एक सास उसे कि फैंटसी नेचुरल सुपर पावर वाला शो बन के ज़्यादा बन गया था। तो गाइस इसके लिए इसकी आलोचना भी बहुत की गई थी कि ये शो में क्या दिखाया गया और गाइस इसीलिए ऑडियंस इससे काफ़ी अच्छे जुड़ नहीं पाई थी। और गाइस जो दूसरा रीज़न वो गाइस ये इस शो के बदलते चेहरे। जी हाँ गाइस, इस शो में बहुत चेहरे बदले गए हैं। गाइस चाहे वो हम बात कर लें प्रेम का, गाइस प्रेम का तो चेहरा इतना बदला गया कि गाइस दर्शक को कभी कभार ये लगता है ये प्रेमी है कि उनका कोई फ्रेंड रेंड आ गया है, क्योंकि हर दिन हमें एक नया चेहरा बनता था। मजाक करो, मतलब बहुत चेहरे प्रेम के हमें देखने को मिले थे। प्रेम का किरदार स्टार्टिंग में सोहेब ने निभाया था और गाइस इन लीड आते आते पता नहीं किन किन कैरेक्टर ने भी इसका किरदार निभाया है। और गाइस जो दूसरा रीज़न हमें कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि गाइस प्रेम तक तो सही था, फिर गाइस इस शो की स्टोरी ऐसे बदली, शो में जो लोरी थी उनकी हमें दर्द दिखा दी गई और गाइस फिर आगे मतलब भूत प्रेत चुड़ैल उनके साथ शो कंटिन्यू किया। शो को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि शो की लीड एक्टर लोरी थी और गाइस वो ही ख़त्म हो गई थी, उनकी डेथ दिखाना तो गाइस सच में बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भी शो काफ़ी अच्छा कंटिन्यू कर रहा था, शो में भूत प्रेत काफ़ी दर्शकों को एंटरटेन कर रहे थे। लेकिन गाइस ये ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाए जब इस शो को टाटा बाय बाय कर दिया सिमर उर्फ दीपिका कक्कर गाइस। हाँ, दीपिका कक्कर के जाते ही इस शो को लगा बहुत ज़्यादा बड़ा झटका और गाइस ये शो एकदम सिमर के जाते ही जो हमारा तीसरा रीज़न वो गाइस यही, जैसे सिमर गई टीआरपी रेटिंग बहुत नीचे आ गई, टॉप 20 से भी बाहर चला गया। तो गाइस रेटिंग भी शो को बहुत कम मिलने लगी। तो गाइस आप समझ सकते हैं जो पहले नंबर 1 पर रहता था वो गाइस टॉप 20 से ही बाहर चला जाए, रेटिंग्स भी कम मिलने लगे, शो की स्टोरी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी कि हमको क्या दिखाया जा रहा है। क्योंकि सारे कैरेक्टर बदल चुके थे, स्टार्टिंग के कैरेक्टर और जो शो के मतलब जब ख़त्म होने वाला था तब आप देखते थे बिल्कुल ही सब कैरेक्टर बदल गए। तो शो को फिर आलम फानन में बंद किया गया क्योंकि एक माता है कि काफ़ी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि
ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरा नया सूट उसी सूट को रिप्लेस कर चुका है। बहुत सच प्राइस मत था स्टार्टिंग में सूट में था बहुत सूट रहा ही नहीं है। तो गैस इसीलिए दर्शक काफ़ी अच्छे से इससे कनेक्ट नहीं हो पाए और गैस यही रीजन है शो की टीआरपी नहीं मिलती, शो में बदल देते रहे और शो की स्टोरी इसीलिए गैस इस शो को बंद करना पड़ा आनंद फानंद में। और गैस अगर वीडियो अच्छा लगा तो गैस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में कोई बात पूछनी जरूर लिखकर बताइएगा और गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लाल कलर की घंटी है ना उसको एक दबा दीजिएगा। तो गैस ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं लाऊं और ऐसा ना हो कि आपसे वो छूट जाए। तो गैस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।